भारतीय किसान संघ की बैठक आज नाहन में आयोजित हुई। इस दौरान भारतीय किसान संघ की नाहन इकाई के चुनाव भी करवाए गए। बता दें कि बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान भारतीय किसान संघ के राज्य महामंत्री सुरेश ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश ठाकुर ने कहा कि भारतीय किसान समय समय पर किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाता है ताकि प्रदेश के किसानों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्या करता है संगठन आपका काम है, दूसरा काम क्या है, हम आंदोलन के रूप में आंदोलनात्मक दृष्टि से भी काम करते हैं, हम ज्ञापन देते हैं, हम हल्ला करते हैं, हम सरकार के समक्ष और पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात कहने के लिए मनवाने के तीन प्रकार के करते हैं। पहले हम ज्ञापन देते हैं, दूसरा अल्पकालीन हम आंदोलन करते हैं, तीसरा आंदोलन दीर्घकालीन बहुत समय के लिए करते हैं। लेकिन हम राष्ट्रवादी संगठन है, यह राजनीतिक है, पारिवारिक और समाज है, हमारा सारा हम बस नहीं तोड़ते, हम रास्ता नहीं रोकते, हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर देंगे, धरना प्रदर्शन करते शांतिपूर्ण ढंग से हम मनवाने की कोशिश करते हैं, बार बार करते उन अधिकारियों से, उन राजनीतिक दलों से या राज्य सरकार से हम बार बार आग्रह करते हैं, अगर वो नहीं मानती तो हम धरना प्रदर्शन करते हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे आंदोलन आत्मक रूप से काम करते हैं, हम संपर्क भी करते हैं संबंधित पदाधिकारी को, संबंधित विशेषज्ञों को कि भाई हाँ किसानों का काम होना चाहिए। तीसरा काम रचनात्मक दृष्टि से करते हैं कि हम गाँव में पेड़ पौधे भी लगाते हैं, जैसा बहन को पर्यावरण का काम दिया, हमारा वार्षिक योजना, अपने त्रैवार्षिक योजना में भाई साहब ने, अजय जी ने बताया हम तीन वर्ष के लिए अपना एजेंडा क्या क्या काम करते हैं, चार उत्सव तो करते ही करते हैं, उत्सव के अलावा हम क्या क्या काम करते हैं, वृक्षारोपण का काम करते हैं, एनवायरमेंट का काम करते हैं कि भाई वृक्ष लगाओ देश बचाओ ऐसा काम करता है, गांव के रास्ते ठीक करते हैं, गांव के मठ मंदिरों की सफाई करते हैं, गांव के स्कूलों से संपर्क करते हैं, स्कूल में भी बढ़िया व्यवस्था क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ेंगे, बच्चे हमारे देश का भविष्य। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।